फाउंडेशन की टीम की तरफ से ये मुजरिम लोग को सजाए मौत दी जाए। इलाफ मीडिया में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं इलाफ न्यूज़। जैसे आप जानते हैं कि देश भर में अनाओ और कटवा कांड के बाद जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। बिदर में भी SIO की तरफ से कैंडल लाइट मार्च निकाला गया, जो गावन चौक से शुरू होकर मेन रोड से होता हुआ अम्बेडकर सर्कल पहुँचा, जिसका मेन मकसद उनाओ और कटवा के गैंग रेप के पीड़ितों को इंसाफ दिलाना और मुजरिमों को सख्त से सख्त सज़ा दिलाना है, ताकि इस तरह की दरिंदगी करने के बारे में कोई सोच भी ना सके। इस मार्च में बिदर के MLA श्री रहीम खान साहब, ह्यूमन राइट फाउंडेशन और सभी मज़हब के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मार्च के बाद हमारे संवाददाता ने ह्यूमन राइट के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से बात की। दिस इज़ मोहम्मद आज़म खान और आप देख रहे हैं इलाफ न्यूज़। आजकल जिस तरह देश के हालात है, उन्नाव और कटवा में जिस तरह दरिंदगी का सबूत दिया गया है और उसके लिए सपोर्ट में भी कुछ लोग आ रहे हैं, इस बारे में हम जानते हैं ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन के प्रेसिडेंट मोहम्मद अताउल्लाह खान से। सर, आप किसके बारे में क्या रहे हैं? आसिफा बानो जो 8 साल की लड़की है, जम्मू एंड कश्मीर के विलेज कटवा से है, जो इस 8 साल की लड़की के साथ जो भी रेप, गैंग रेप और मर्डर हुए हैं, इनके जो भी मुजरिम है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, PDP गवर्नमेंट, महबूबा मुफ्ती से हम, हमारी ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन टीम की तरफ से अपील करते हैं, ये जो भी मुजरिम लोग हैं, इनको सख्त से सख्त उनको सज़ा दी जाए। मैं तो बोलता हूँ हमारी ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन की टीम की तरफ से ये मुजरिम लोग को सजाए मौत दी जाए। और कल भी जो है हमारे बिदर में कैंडल मैच हुआ है, उसमें भी हमारी ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन टीम थी और सारे जो भी ऑर्गेनाइजेशन थे, उन लोगों ने सब मिलकर ये काम किए हैं। और इंशाल्लाह 20 अप्रैल को भी जो भारत बंद का ऐलान हुआ है, उसमें भी इंशाल्लाह सब हिंदुस्तान के लोग, सारे लोग उसे मिलकर कॉपरेट करें, यही हम PDP गवर्नमेंट से अपील करते हैं हमारी ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन टीम की तरफ से। थैंक यू सर। ये मेरी इज्जत को लूटा गया और चीफ मिनिस्टर के घर के सामने धरना देती गए, तो जब उसके बाप को आर्म्स एक्ट के तहत जेल में भेजा जाता है, जब वो अपनी जद्दोजहद को नहीं रोकती, तो बाप को, मुतासिरा बेटी के बाप को कत्ल किया जाता है। और अभी सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर जो उनके बड़े लोग उन्हें छुपा रहे थे, उन्हें दबा रहे थे, उन्हें मजबूर होना पड़ा कि MLA को अरेस्ट करें। मैं अपनी बात मुख्तसर करते हुए